ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिला बिलासपुर में एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बस ड्राइवर चलती हुई बस में सवारियों की जान की परवाह किए बगैर मोबाइल से चैटिंग कर रहा है और ये वीडियो यात्रियों के द्वारा शूट किया गया है जो कि बस में सवार था। हालांकि बस छको से बिलासपुर श्री नैना देवी जा रही थी और जब ये बस स्वारघाट से नैना देवी के लिए चली कि रास्ते में ड्राइवर ने चैटिंग शुरू कर दी और किसी यात्री ने इस वीडियो को शूट किया है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस भी हरकत में आई है। जिला बिलासपुर में आजकल एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बस ड्राइवर चलती हुई बस में सवारियों की जान की परवाह किए बगैर मोबाइल से चैटिंग कर रहा है और ये वीडियो यात्री के द्वारा शूट किया गया जो कि बस में सवार था। हालांकि बस छको के बिलासपुर श्री नैना देवी में जा रही थी और ये बस जब स्वारघाट से नैना देवी के लिए चली कि रास्ते में ड्राइवर ने चैटिंग शुरू कर दी और किसी यात्री ने इस वीडियो को शूट किया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। उसके बाद पुलिस भी हरकत में आई। डीएसपी संजय शर्मा का कहना है कि बस ड्राइवर का वायरल वीडियो उनके पास आया और उन्होंने संबंधित थाना स्वारघाट इंचार्ज को आदेश दिया है कि वे उचित कार्रवाई अमल में लाएं ताकि कोई भी ड्राइवर द्वारा इस तरह की हरकत न कर सके। उन्होंने बस में सवारियों की जिम्मेदारी और उन्हें सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाना बस ड्राइवर का फर्ज होता है और फर्ज में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब भी कोई इस तरह का वीडियो बनाता है तो वे पुलिस को भी सूचित करें ताकि मौके पर कार्रवाई हो सके। वीडियो हमें सामने आया है जिसमें कि एक बस ड्राइवर बस को चलाते हुए मोबाइल पे चैट कर रहा है या क्या कर रहा है, ऐसा कुछ देखा गया है। और सोशल मीडिया के अनुसार ये जो ड्राइवर है, ये बस है, ये स्वारघाट से सोहन के बीच में जो थाना जो नैना देवी एरिया का ही ये जगह पड़ती है वहाँ का ये वाक्या है। तो इस तरह की लापरवाही ड्राइवर के द्वारा सवारियों के लिए बड़ी ही जोखिम भरी हो सकती थी। भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं, गलत नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि ये अभी वीडियो हमारे पास उपलब्ध हो गया है तो SHO थाना स्वारघाट को आदेश दिए जा रहे हैं कि वो इस मामले की छानबीन करें और तुरंत एक्शन लें। तथा मेरी लोगों से ये अपील रहेगी कि जिस तरह इस वीडियो को बनाया गया है, अगर हो सके तो उसी टाइम अगर पुलिस को फ़ोन कर दिया जाए तो पुलिस त्वरित कार्यवाही कर सकती है वहाँ पर और कानूनानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।